वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हो तो अच्छे ही होंगे। ओके, तो आज जो है एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो आज ही किसी का मैसेज आया, कमेंट आया कि बच्चे से अटैचमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एंड मैंने सोचा चलो ठीक है बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। एंड ये एक व्लॉग स्टाइल में है, ये कोई प्रॉपर बैठ कर मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने सोचा था। बट नीरव जो है, जो कि मेरा बेटा है, वो कभी भी शैतान उठ सकता है और उठेगा, उसके बाद मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। तो हाँ, तो बात ये है कि उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चे से अटैचमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो उनका जो बच्चा है वो ज़्यादा उनसे अटैचमेंट नहीं है, उनका 19 मंथ का बेबी है। और उनका कहना है कि जो उनका बेटा है और उनका कहना है कि उनका जो बेबी है वो उसके डैडी से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, उनके पास ज़्यादा नहीं आता है जब डैडी रहते हैं। तो आई डोंट नो, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। जनरली मैंने क्या देखा है, बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है वो माँ से ज़्यादा होती है, बट आपका केस थोड़ा सा मुझे अलग लगा। सो पॉइंट ये है कि उनका कहना है कि उनका जो बेबी है डैडी को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको उनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। जब उनके डैडी होते हैं तो वो डैडी को ज़्यादा प्यार करता है, उनको नहीं, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे केस में क्या है, मतलब मेरा बेटा जो है वो मुझसे ज़्यादा किसी से उसका अटैचमेंट नहीं है, चाहे उसके डैडी भी आ जाए। हाँ ठीक है, उसके डैडी जब ऑफिस से आते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए चला जाता है, बट फाइनली वो मेरे पास ही आएगा। 1 मिनट से ज़्यादा वो डैडी के पास ज़्यादा नहीं खेलता है, मतलब खेलता है कभी कभी ज़्यादा, बट फिर भी घूम फिर के वो मेरे पास ही आएगा। कितना ही अगर मैं उसे डांटूँ, उसे पिटाई करूँ, थोड़ी बहुत कभी कभी कर भी देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा शैतान इतना परेशान करता है मुझे, कभी कभी लगता है पागल हो जाऊँगी। तो इतना ज़्यादा परेशान करता है सब कुछ, कितना ही उसे मैं सुनाऊँ, मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं लेती, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, फिर भी वो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। कितना ही उसे फिर मैं उसे हक करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मतलब ऐसे होता है। तो कितना ही बच्चा बच्चा को माँ मारे, सुनाए, डांटे, फिर भी वो माँ के पास ही ज़्यादा आता है। तो मेरे केस में क्या है, डैडी के पास नीरव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, नहीं जाता है, क्योंकि बचपन से ही जब से वो पैदा हुआ है, चाहे उसे सुलाना हो, इनिशियली वो काफ़ी ज़्यादा लेट सोता था, 3-3 बजे रात को, 4 बजे रात को, पता नहीं क्यों, बट अब खैर अभी तो ठीक है, तो ऐसा था। बट चलो पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात ये है, अगर मैं आपके साथ थोड़ी बहुत बातें टिप्स शेयर करूँगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टेक्निकल टिप्स दूँ, ऐसा कुछ नहीं इसमें काम आने वाला है, क्योंकि ये एक माँ और बच्चे का कनेक्शन है, प्यार है, इसमें कोई कुछ काम नहीं आने वाला। बट फिर भी जो मुझे फील होता है मैं आपको बताऊँगी। ओके गाइस, तो मेरे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे टॉप पर है वो है माँ का दूध। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, एक माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसमें सबसे पहला जो टिप है वो है माँ का दूध। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो डेफिनेटली आपका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप ही दे सकते हो बच्चे को, और इसमें बच्चे को आपके थ्रू बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग आई थिंक महिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो नीरव को कितना ही अगर कुछ हो जाए, उसे चोट लग जाए, वो रो रहा है, उसे मैं डांट दूँ और तुरंत उसे मैं दूध पिलाने लग जाती हूँ, तो वो एकदम खुश हो जाता है, सारा दर्द भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छा है अटैचमेंट के लिए, अगर बच्चे से अटैचमेंट की बात करूँ तो। आई डोंट नो आप ब्रेस्ट फीडिंग कराए हो या नहीं, मुझे ज़रूर बताना, मैंने आपसे पूछना भी भूल गई। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेस्ट फीडिंग कई लोग नहीं करवाते हैं, पता नहीं क्यों, कई माँ ऐसा भी सोचती है दूध पिलाने से उनका फिगर ख़राब हो जाएगा, जो भी। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कई बार जो है ये होता है कि कई माँ को दूध नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से वो बच्चों को पिला नहीं पाती है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कम बॉन्डिंग होती है। जब बच्चे को आप बहुत कम टाइम दूध पिलाते हैं, तो कई ऐसा भी होता है जो सिर्फ 1 मंथ पिला पाती है, उसके बाद दूध नहीं होता है, कई ऐसा होता है 2 मंथ पिलाती है। तो नीरव की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी मैं अपना ही दूध पिलाती हूँ, मतलब खाना सब कुछ खाता है वो, फुल उसका खाना है, बट कितना ही वो खा ले, फुल हो जाए, उसे ज़रूर दूध पीना होता है मेरा, तो रात को स्पेशली ज़्यादा पीता है, तभी वो सोता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग का तरीका है। तो आई डोंट नो आपने कितने दिन तक दूध पिलाया, कितने दिन तक नहीं, तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। ओके,
दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को जो भी किचन में काम करते हो, एक बार ज़रूर उसे किचन में ले जाओ, एंटर करवाओ और उससे भी थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ करने दो अपने साथ। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जैसे कि कुछ भी चीज़ नीरव को मैं ले जाती हूँ, वो छूता है, जैसे कि चिमटा हो गया, मैशर हो गया, विस्कर हो गया विस्कर हो गया, करछी हो गया, कुछ भी चीज़ें वो छूता है। मैं उसे बोलती हूँ बेटा बनाओ, जैसे कि मैं आटा का डो बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, तो उसे बोलती हूँ आटा निकालो। वो चाहे जैसे भी निकाले, थोड़ा बहुत गिराता है तो आटा निकालता है, पानी भी थोड़ा बहुत डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे बच्चे को ज़्यादा अटैचमेंट होगा इससे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ आप ही रहते हो, तो आपसे जाहिर सी बात है लगाव और अटैचमेंट होगा ही। अगर आपके हस्बैंड आ भी जाते तो थोड़े देर के लिए वो चला जाएगा डैडी के पास कि अरे मेरे डैडी आ गए डैडी, क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट होते हैं कि मेरे डैडी आए, ज़रूर कुछ ना कुछ लाए होंगे, चॉकलेट या कुछ भी, थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए जाएगा। तो आप इसमें मत घबराइए कि थोड़ी देर के लिए जा रहा है, यार डैडी है, उसे भी तो थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी देर के लिए जाएगा, घूम फिर के आपके पास ही आएगा। और एक ये तो था दूसरा। तीसरा आप क्या कर सकते हो, एवरी डे बच्चे को पार्क में ले जाओ, एवरी डे चाहे कुछ भी हो जाए, आप पार्क में ले जाना बिल्कुल मत बंद करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप उसके साथ स्पेंड कर सकते हो और उसको डेफिनेटली आपसे लगाव होगा ही होगा। आप पार्क में उसके साथ एक्टिविटीज़ करिए, आप घर में ही चाहे हो उसके साथ जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, थोड़ा आप भी टाइम स्पेंड करो। आप कोशिश करो कि जो भी आप खाना बना रहे हो, जो भी काम है, वो जब सो रहा है तभी वो कर लो, और जब वो जगा हुआ है तो उसके साथ आप इन्वॉल्व हो एक्टिविटीज़ में। तो मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। और कभी कभी मैं अगर नीरव के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँ तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सोने लगता है, गुस्सा हो जाता है, तो इस चीज़ का ज़रूर मैं ध्यान रखती हूँ और नीरव के साथ एक्टिविटीज़ में उसका साथ देती हूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप ये भी चीज़ ऑब्जर्व करें कि आपके जो हस्बैंड है वो ऐसा क्या करते हैं, वो ऐसा मतलब क्या या तो फिर खिलाते हैं लाते हैं कि उससे थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा है, वो आप ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। सॉरी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि वो कुछ ऐसा ला कर दे रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे खाना बनाओ जो आपकी बेबी को पसंद है। आप नोटिस करो आपके बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप वो बना कर दो, थोड़ा ट्विस्ट तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना कर दो, अच्छे से सजा कर दो और बच्चे को एक्साइट करो कि यस अब मैं ये ले आने वाली हूँ, कौन खाएगा, यम्मी यम्मी, कुछ कुछ एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं बनाती हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है, मैं जब बनाती हूँ कुछ भी तो नीरव को पहले से मैं बहुत इंकरेज करती हूँ, उसको पहले से इतना खुश, इतना एक्साइटेड कर देती हूँ कि वो खाना खाने के लिए एक्साइटेड रहता है। तो टच वुड, मुझे खाना खिलाने के लिए नीरव को कभी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ी। हाँ, शैतान बहुत है, बहुत ज़्यादा, बट खाना खाने के मामले में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं इतनी ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है मत पूछो, तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी, क्योंकि मैं उसे बहुत इंटरेस्ट तरीके से खाना खिलाती हूँ। और खाना कोशिश करें आप थोड़ा हेल्दी भी हो, और ये सारी चीज़ें बच्चे को देखो, आप पूरा फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पूरा हेल्दी खाना उसको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो अंदर से चिड़चिड़ा है या नहीं, तो यही सारी चीज़ें हैं। और अगर मुझे और कभी लगेगा, मैं आज ही आया उनका कमेंट और मैंने आज ही वीडियो बनाया है, थोड़ा बहुत सोचती टाइम देती तो और शायद पॉइंट मेरे दिमाग में रहता, बट मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ तो पार्क में ज़रूर जाए। अगर पार्क नहीं आसपास तो सब्जी लेने जा रहे हो आप आसपास, तो वहाँ लेकर जाओ बच्चे को। जहाँ भी जा रहे हो आप, बाहर आउटिंग बच्चे को ज़रूर करवाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बच्चे के लिए, उनके हेल्दी लाइफ के लिए, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए। तो मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। और जो मेरा फ़ोन है चार्ज बहुत कम है तो उसको भी मुझे चार्ज करना है। तो यही सारी चीज़ें थी। और या आज सैटरडे है और मेरे हस्बैंड जो है कहीं गए हैं, वो आ जाएंगे तो बस शाम टाइम है, लेकिन देखिए मैं कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। सो या बस आई जस्ट होप आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, और हो कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो सो या बाय। ओके गाइस, बाय।